तुम क्रिकेट से क्रिकेट तक पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज ही बहुत बड़ी खुशी, पाकिस्तान ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम साउथ अफ्रीका को बीट कर दिया है। फाइनली आज साउथ को हॉर्न बजाने का मौका मिल गया। आज तो बजाना है, बजा के दिखाओ। अभी खुशी खुशी है, नहीं नहीं कान फट जाएंगे। आज खुशी है, बहुत ही खुशी हुई। पाकिस्तान ने जिस तरीके से आज क्रिकेट खेली, हमारे ओपनर्स ने आज भी डिसअपॉइंट किया हमें, पर लेकिन एक अच्छा मिला हमें यार। 43 रन पे चार खिलाड़ी आउट हो गए आपके, उसके बाद 185 रन। शदाब यार, आई लव यू यार, क्या खेला है यार, दिल जीत लिया आज तो यार। बस एक दिन बावे का मैच, बस एक दिन बावे का मैच, बस बहुत मजा आया। शदाब खान की बैटिंग, मोहम्मद हारिस की बैटिंग, हमें जो हम कह रहे थे, हमें ये इंटेंट चाहिए, हमें इस तरह ये इंटेंट चाहिए तो गिरती रहे। आप अपने आप को लेके चलो, अपने आप को लेके चलो, देखो कहाँ पहुंच गया। नहीं जाओ, आप डिफेंसिव में जाओगे, दूसरी टीम आपके ऊपर अटैक करेगी। जब आप अटैक कर नहीं पाओगे तो दूसरी टीम प्रेशर मार प्रेशर में आएगी और बॉल की लाइन और लेंथ भी भूलेगी। ऑनरिक नोकिया कितना परफेक्ट योर कर मार रहे हैं, वो शदाब खान को पहले फ्री हिट नो बॉल देते हैं, फिर फ्री हिट पे छक्का पड़ता है, फिर एक और फुल टॉस। फुल टॉस होती है मतलब क्या, जब आप किसी पे अटैक करोगे तो सामने वाला प्लेयर, भाई पाकिस्तान ने अफ्रीका को बम्बूजर कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, तेज नेज कर दिया, मजा आ गया। ये आज पाकिस्तान ने गोरो वाली क्रिकेट खेली है, जो हम चीख चीख के बोले आपकी विकेटें गिर रही है तो गिरते रहे, आप अपनी क्रिकेट खेलो, आप हिट पे जाओ, बॉलर पे अटैक करो ताकि एंड में प्रेशर में आए वो। देखो क्या कसम से, फिर भी मैं कहता हूँ बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत मैच हुआ, मजा आ गया यार फराज। देखो मेरे खुशी से अल्फाज नहीं निकल रहे बस। आज जो डिफरेंस नजर आया ना, देखे जब विकेट गिरती है ना और आप डॉट बॉल खेलते हो तो सामने की टीम आपके ऊपर शेरों की तरह चढ़ती है। आज क्या हुआ, हमारी विकेट गिरी पर हम रन रेट को लेकर, रन रेट लेकर चले, एक टाइम तो हमने इतना हिट किया, सॉरी इतना जज्बाती हो रहा हूँ, हाँ तो इतने जज्बाती शॉट्स मारे शदाब खान ने, इफ्तिखार अहमद ने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेले, एक भी आड़ा टेढ़ा शॉट नहीं था, एक आधे इनसाइड एज लगे बस। बहादुर होते हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ, देती है। देखो फराज आज जो हारिस, पहले मोहम्मद हारिस की बात करें, हम देखो तारीफ उनकी बनती है, अगर वो स्कोर नहीं करते तो हम 15 रन पे चार खिलाड़ी आउट हो जाते जिस तरह था, लेकिन उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली, जो उन्होंने तीन छक्के मारे, जो पीछे का मारा ना यार, आउट क्लास कर दिया उन्होंने, मजा आ गया कसम से। बहुत प्यारी बैटिंग करी, उनको बस बैट लक हो गया, लेकिन उन्होंने रंगरेट को पावर प्ले में आगे लेकर गए, जिसकी वजह से शदाब आके, और अच्छा हुआ शान मकसूद आउट हो गया, वरना वो रंगरेट का काम खराब ही करते हैं, बर्बाद करते। साउथ आज 9 ओवर जब तक क्यों है ना पाकिस्तान की बैटिंग के, तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि इतने जोश जज्बे के साथ नहीं देखो कि तुम्हारे दिल का कोई मसला हो जाए। फिर उसके बाद जब हमने गियर चेंज किए 12 ओवर के बाद, फिर उसके बाद तो चेहरे की हंसी खत्म ही नहीं हुई, मुस्कुराहट खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान हिट करने पाया था एवरी बॉल 1-2-6-4 1-2-6-4, बहुत ही निहाई थी नफीस और अच्छी। और आज तो चाचा ने भी, चाचू ने भी 106 मीटर का छक्का, वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट तरीन 6 भी मार दिया यार, इस बात पे वाजा चाचू के नाम है। साउथ देखें आज हम मैच जीते, शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में डिकॉक को आउट किया, सबसे बड़ी दो विकेट उन्होंने ली, तीन विकेट लिए, क्योंकि दो ओवर में दो विकेट ले ली थी। लेकिन यार ये मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो खिलाड़ी चलता नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ आके क्यों चल जाता, टेम्बा बमुमा क्या मसला है यार, हमने ठेका लिया हुआ भाई, क्या यार उनको फॉर्म में ला रहे थे, जिस खिलाड़ी की फॉर्म नहीं है ना पाकिस्तान के खिलाफ लाके खिला दो और फॉर्म में आ जाएगा, फॉर्म में आ जाते हैं, वो रन कैसे करेगा। विराट कोहली फॉर्म में नहीं था, हमने उससे फॉर्म में लिया है, बिल्कुल हमने ये जिम्मेदारी ली हुई है, वर्ल्ड वाइड हम रिस्पॉन्सिबल है भाई, जिसकी फॉर्म नहीं है हमारे खिलाफ लाके खिला दो, हम उसको फॉर्म में भी लेंगे, उसका टेम्परामेंट भी अच्छा कर देंगे, सब कुछ अच्छा। लेकिन ये बारिश जो हुई है पाकिस्तान के लिए, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, क्या क्या कहते हो उससे? साउथ देखो जीत गया अच्छा हुआ, लेकिन बारिश नहीं होती तो आपको क्या लगता है कि हम बड़े रन रेट से जीतते, हम बड़े रन रेट से जीतते और हम इनको ऑल आउट कर देते 110-120 के अंदर, ये मैं मान के चल रहा था। मैं जब मैच देख रहा था बारिश से पहले, मैं ये कैलकुलेशन से चल रहा था कि पाकिस्तान 115-120 रन पे ऑल आउट कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसी बॉलिंग कर रहा था। शदाब भाई जब बॉल करने के लिए आते हैं, उनका बस टूट गया, वही कहते हैं ना यार मोमेंटम जो होता है, क्रेडिट शदाब खान को, शदाब मैन ऑफ द मैच है बॉलिंग में,
टेम्बा बफुमा बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग कर रहे थे, कर रहे थे यार। आपने हारिस रऊफ को नहीं छोड़ा, उन्होंने आपके मेन बॉलर दो में 37 रन मारे हारिस रऊफ को शुरू के दो ओवर में, बिल्कुल। शादाब आए, शादाब ने आते टेम्बा को आउट करा, फिर एडन मार्करम को आउट करा जिसने इंडिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका की लाइन पार करवाई थी। आज मिलर नहीं थे, मिलर इंजरी थी उनको, मिनी इंजरी थी, इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया, सही किया उन्होंने। हमारे लिए तो अच्छा हुआ, सिर्फ ये हम ही है कि जो इंजर्ड प्लेयर खिलाते हैं उनका थोड़ा सा भी इंजरी का प्रॉब्लम होता है उनके हिसाब से, तो वो सेमीफाइनल में देखो गए हुए। बस अब पाकिस्तान बांग्लादेश से जीतना है, अच्छे रन रेट से जीते है ना जी, बस बांग्लादेश से जीते, और दुआ ये करनी है कि अफ्रीका के मैच में बारिश या अफ्रीका अपसेट हो जाए या इंडिया अपसेट हो जाए, कोई एक अपसेट हो जाए बस। संडे को अब हमें एक अल्लाह पाक से ही उम्मीद है कि हमारे हमें कोई मौजा दिखा दे, पाकिस्तान के हक में कुछ बेहतर हो जाए, बेहतर हो जाए। बहुत खुशी है, पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीतने की दावेदार टीम थी, चैंपियन टीम जिसे कहा जा रहा था, हमने उसको इतना कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखें हमारी जो अभी प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस करनी पड़ेगी, रिजवान और बाबर शान हमारी बहुत मेजर प्रॉब्लम बने, बिल्कुल है यार, आप नहीं छोड़ सकते। शादाब बाबर नीचे आ जाए, रिजवान नीचे आ जाए, हारिस को ऊपर खिला दो भाई, खिला दो, वो तो आज अल्लाह की कर रही है ऐसी हुई। रिजवान पहले आउट हो गए इसी वजह से, हारिस पहली ओवर में पहले ओवर में आते ही कर लिया, सही बात है। दूसरी ओवर उसके हेलमेट पे लगी पर रबाडा को से जो आड़े हाथों लिया, आहा, दो छक्के लगातार, फिर एक चौका, बहुत प्यारी बैटिंग करी है उन्होंने। और उसके बाद आज पाकिस्तान की इनिंग में 9 छक्के शामिल थे और 13 चौके, यानी कि टोटल कितनी बाउंड्री हो गई, 23 बाउंड्री हमारी आज आपने T20 में, 106 रन तो आपने सिर्फ बाउंड्रियों से बनाए फराज, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। पर यार मैं बाबर आजम और रिजवान के लिए बहुत वरीड हूँ, करेंगे आगे जाके इस बारे में बात, इंशाल्लाह वो कमबैक करेंगे, इंशाल्लाह बैक करो उनको भी, बस इसको हम सेलिब्रेट करेंगे और पाकिस्तान से उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह संडे को, इंडिया ने हमें मायूस किया था पर संडे को इंडिया ही हमें खुश करेगा, हम इंडिया की शर्ट पहन के यहाँ पे बैठ के इंडिया को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम इतने पनौती चल रहे हैं जिसको सपोर्ट कर। लेकिन मैं समझता हूँ कि अफ्रीका से ही कुछ आपका चांस बन सकता है, वरना नहीं। लेकिन आखिरी बार बोल लें, इजाजत क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, पोस्ट करें, नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज़।